नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक नया आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी करके प्रदेश में 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के लिए, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए खुशखबरी दी है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में, ज्वाइनिंग में, हर शैक्षणिक सत्र में आपको फर्जीवाड़ा देखने को मिल है। और इस फर्जीवाड़े की तरह से जो पात्र अतिथि शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्तियां ज्वाइनिंग स्कूलों पर नहीं हो पाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोक शिक्षण की तरफ से निर्देश जारी करके संबंधित शाला के प्राचार्यों और संकुल के प्राचार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अगर आप उनकी जानकारियों को पोर्टल पर अपडेट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। जानकारी बताएंगे, एक बड़ी खबर, 2024-25 में अतिथि शिक्षक के कोर्ट जहां स्कूलों पर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोक शिक्षण की तरफ से नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। यह आदेश इम्पोर्टेंट आदेश है। अतिथि शिक्षकों की भर्तियों में हर शैक्षणिक सत्र में हो रही अनियमितताओं को देखते हुए मजबूरी में लोक शिक्षण यह आदेश जारी किया है। संचालक लोक शिक्षण ने आदेश जारी करके आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। वहीं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर गिरेगी गाज। यह अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। अक्सर आपने देखा होगा अतिथि शिक्षकों की भर्तियों पर फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। अब यह मामला पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान चलता है और अंत में संबंधित अतिथि शिक्षक परेशान होकर थक हार कर वह घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो भी अतिथि शिक्षकों का शोषण करेगा या उनके साथ फर्जीवाड़ा करेगा, नियुक्ति हो या किसी भी प्रक्रिया में, तो उसके खिलाफ यहां पर कार्यवाही सीधी तौर पर लोक शिक्षण स्तर पर होगी। भोपाल से अपडेट है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की जानकारी समय सीमा में नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शाला प्रभारियों को पैनल बार जानकारी देने की कार्रवाई 6 जुलाई तक पूरी करनी थी। वहीं निर्धारित समय सीमा में अधिकांश शाला प्रभारियों ने जानकारी नहीं दिया है। अब इन्हें अंतिम तारीख 16 जुलाई तक कर दिया गया है। वहीं इसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति को लेकर जारी निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि शैक्षणिक 23-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची में से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया हो, वहीं विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी जेपीएमएस पोर्टल पर दर्ज करना होगा। वहीं विद्यालय स्तर पर यह जो पैनल का अपडेशन है, वह 2023-24 में जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे उनके जो पैनल बने हुए थे, उस पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जेपीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी और संकुल के प्राचार्यों के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शाला प्रभारी और संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 में पैनल की प्रविष्ट के लिए संबंधित आवेदक यानी यूजर नेम, जो मोबाइल नंबर है अतिथि शिक्षक का, उस नंबर की प्रविष्टि जैसे ही करेंगे, मेरिट के क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखना होगा। यदि मेरिट क्रम के अनुसार चयन नहीं किया गया है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका कारण अंकित करना होगा कि इसका मेरिट में नाम आ रहा था लेकिन इनका सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया। यदि पैनल की जानकारी प्रविष्ट करते समय किसी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, इसका यह सीधा मतलब है यहाँ पर कि संबंधित आवेदक का अपना यूजर नेम यानी मोबाइल नंबर परिवर्तित कर लिया गया है और नया वाला मोबाइल नंबर भी आवेदक से लेकर के संबंधित शाला या फिर संकुल के प्राचार्यों के द्वारा फिर से अपडेट करना होगा। वहीं इस पर शाला प्रभारी का संकुल प्राचार्य संबंधित आवेदक से उसका वर्तमान में स्कोर कार्ड दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त कर उस नंबर से पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे। विद्यालयवार विषयवार पैनल 2023-24 की जानकारी, जो काम कर रहे थे उन्हीं का 24-25 की जानकारी में यहां पर शाला प्रभारी संकुल पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। संकुल के अंतर्गत सभी शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्टि कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। यह प्रविष्टि
6 जुलाई तक अनिवार्य रूप से दर्ज करनी थी, लेकिन अधिकांश शाला प्रभारियों और संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी नहीं दी गई। संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी द्वारा जारी निर्देशों में अब 16 जुलाई 2024 तक का समय दिया गया है। उक्त समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले संकुल के प्राचार्य या शाला प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, ऐसा आदेश में भी अंकित किया गया है। तो अगर नियमित शिक्षक कार्यवाही से बचना चाहते हैं तो 2023-24 में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों की पैनल की जानकारी तुरंत अपडेट कर दें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, नहीं तो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा और लोक शिक्षण भोपाल स्तर पर संबंधित लोक सेवकों यानी शाला प्रभारी और संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मुझे उम्मीद है यह जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सपोर्ट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।